हरित रहो। मैं तो कोई ढोल बजाए और चाहे ढोल फोड़े और चाहे जो भी घुल्लम गुल्लम करे, हम क्या करते हैं अपनी बात बताता हूँ। मैं किताब खोलता हूँ, फट से श्लोक याद करता हूँ 2 मिनट में। अरे ये बवाल कभी खत्म होगा ही नहीं। कोई ढोल बजाएगा, कोई थोड़ा गाजर लेट हो जाएगी, वो लफड़ा लगा ही रहेगा और सब झंझट, चलो हटाओ बवाल खत्म करो बस। एषाम तंतगतम पापम पूर्णी कर्मणाम जनानाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो अपना काम करो। इसलिए मैं कहूंगा पति को अपने कर्तव्य का पूरा पालन करना चाहिए, घर के कलेश में उलझना नहीं चाहिए और पत्नी को भी अपनी प्रतिभा में निखार लाना चाहिए। समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। जिस दिन तुम खत्म हो जाओगे उसी दिन समस्या खत्म होगी। समस्या है इसका मतलब तुम जिंदा हो अभी। हाँ ऐसा करो। बेटियों को भी चाहिए घर की उलझनों में मत फंसे, विद्या अध्ययन करें और आगे फॉलो करो, विकास करो, ऊंची से ऊंची कलाओं को सीखो, केवल फैशन में भी मत फंसे रहो। अभी तो बालों का फैशन इतना चला है कि भगवान राम भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ क्या बालों का हाल है, बाल भी रात में रोते हैं आधी रात को। अरे किसकी खोपड़ी में पैदा हुई, रगड़ी मार रहा बहुत अब तो पुरुषों ने भी बालों में फैशन स्टार्ट किया है। वो चारों तरफ कटिंग करा देते हैं और बीच में थोड़े बाल रखते हैं, रुई जैसे उड़ते रहते हैं। बाईपास रोड निकाला है कि इधर से उधर निकल जाओ, बस बीच चौराहे मत आना। क्या लोग नाटकी आदमी है। अरे खोपड़ी माइंड नहीं है, बाल वाल में क्यों पड़ा हुआ है, फालतू कटिंग करा रहा है। ये बालों में भी दिमाग मत खर्च करिए, ये सब झंझट है कुछ नहीं। इनको बालों को कितना संभालो, ये बाल भी बहुत बेईमान है। एक एक करके पक जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, डेंट पेंट कितनी करो इनकी, ये अंदर से फिर सफेद निकलेंगे और फिर ये झड़ना शुरू होंगे, सब एक एक गिर जाएंगे और फिर जब मर जाओगे तो इन बालों में आग लगेगी, सब जल जाएंगे। और ये जिंदा में बाल तुमको हैरान किए हैं, ये कुछ नहीं, बाल बाल ज्यों त्यों कंघा मारो, निकलो, अपनी कलाओं को विकसित करो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, संत कबीर और स्वामी महावीर ये कितने महान थे। आज उनका शरीर नहीं दिखता है फिर भी उनका नाम सबकी जुबां पे रटा जाता है, मीराबाई का नाम याद किया जाता है। तुम ऐसे ऐसे गुण पैदा करो कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा बने रहो। ये लड़कियां बहुत बुद्धिमान है, ये कोई बुद्धू नहीं है। किसी लड़के को अगर कह दिया जाए इनके जैसे बाल सेटिंग करो तो वो 2-3 महीने ट्रेनिंग करेगा तब कर पाएगा। और ये सारी लड़कियां कितना बालों को सेट करती है, इधर झुकाना उधर मोड़ना, ये बाल छोटे कर देना उसको लंबा कर देना और बीच में थोड़े बाल फुला कर गुलगुब्बा बना देना। अब क्या लफड़ा बनाती है, कितनी कलाकार है वो, लेकिन उसकी कला सब बालों में ही उलझी हुई है और खोपड़ी काम कहीं कुछ लेती नहीं है, खोपड़ी सब खोपड़ी बालों में लगा दिया है। अरे इसमें मत फंस, आगे कुछ सोच। तुझे कार लाना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनकर आना है, अफसर बनना है, तेरे को बहुत सुंदर मकान बनाना है, ये कहां लफड़ा में फंस रही तू। आज से बेटियां भी अपने आप को जागरूक करेंगी, सारा दिमाग अपनी योग्यता को विकसित करने में लगाइए। आप देखिए जैसे हम हैं, सिंपल कपड़े पहने हैं, हमारे कपड़े कभी प्रेस नहीं किए जाते हैं। प्रेस समझते हैं ना, लोहा लोहा लगाते, कभी नहीं। हम ऐसे अल्लम जल्लम पहन लेते हैं, अल्लम जल्लम। और मुझ जैसे संत को टीवी में करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 15 से 20 करोड़ लोग देखते हैं टीवी में, और यूट्यूब में 3,80,00,000 के करीब लोग देखते हैं। कोई फैशन नहीं, कोई बाल वाल दिखते नहीं हमारा, और कुछ नहीं, अगड़ पगड़ बांध लो बस हो गया।
चंदन लगा देता हूँ थोड़ा सा, वो भी कोई सेटिंग से चंदन वंदन नहीं लगाता हूँ कि लंबा टेढ़ा तीन टाइप का है, बस बिंदी धरो निकलो बाहर, चंदन वंदन लपड़े मत फंसो, प्रवचन करो चल के, पढ़ो लिखो स्वाध्याय करो, शांत रहो खुश रहो, बवाल मत बनाओ। तो ऐसा जीवन बनाओ ताकि तुम्हारा लाखों लोग दर्शन करे, लाखों लोग दर्शन करे। ये हीरोइन हीरो इसका कौन, मरने के बाद एक भी हीरो हीरोइन की कोई याद नहीं करता है, और हीरो हीरोइन की मौत भी ठीक से हो नहीं पाती है। एक हीरोइन थी बताते हैं, वो दुबई में बाथरूम में डूब के मर गई। अरे डूबना ही था तो इंडिया में इतने कुएं तालाब हैं, कहीं डूब जाती वहाँ समुंदर पार बाथरूम में डूबने गई थी, ये होशियार नहीं है। मेरे को बताती मैं भी उसको तालाब बता देता, इधर जा। और फिर इतना तेरे अंदर ज्ञान होता है तो डूबने की क्या जरूरत है, हाँ आत्महत्या का क्या काम है। मौत तो अपने आप आएगी टाइम पर, उसके लिए मरने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी उबो डूबो मत, घबराओ मत, हिम्मत हारो मत, पराक्रमी रहो, धैर्य रखो, परेशान भी मत हुआ करो। घर में कोई सामान की कमी हो संतोष कर लिया करो, जो है उसमें एडजस्ट कर लिया करो, शोरगुल मत मचाया करो, कोई टूट फूट हो गई हो गम खा लिया करो, कुर्सी की एक टांग टूट जाए किसी गरीब को दे दिया करो, तीन टांग सही है चौथी टांग वो लगा लेगा, काम चला देगा। दिवाली से पहले घर की सफाई करो, जो फालतू सामान है निकाल के दान कर दिया करो, घर का स्थान खाली करो, ये कबाड़ खाना सब कमरा घेर के बैठा है सामान, पुराने गद्दे दान कर दो, पुरानी रजाई दान कर दो, पुरानी साड़ी सब दान कर दो, दो तीन दिन एक साड़ी पहना करो फिर नई ले आओ उसको दे दो। लेडीज बहुत खुश है, पुरुष टेंशन में है कि ये रोज दान करेगी लफड़ा हमारे पर आएगा। तुम पैंट दान कर दिया करो, घर से पैंट पहन कर जाओ, उधर से अंडरवियर में आओ, वाइफ पूछे क्या हुई पैंट, बोले दान कर दिया। मैं अपने चप्पल दान कर देता हूं वहां से नंगे पांव आ जाता हूं, ऐसा 50 बार कर चुका हूं। चादर ओढ़ा हूं उसको दान कर दिया, उधर से ठंडी में ठिठुरते आए दूसरी चादर ले लिया। और दान की शक्ति, इतनी शक्ति करण दानी था। गरीबों का ख्याल रखो, दिवाली आ रही है, जो मिट्टी के दीपक बनते उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी के दिया क्या बोलते हैं, दिया, हाँ बस चलो ठीक निपट गया वो दिया। तो आप मिट्टी के दिया खरीद लेना, ये देहाती मंडल है, और वो खरीद करके गरीब कुम्हारों के थोड़े से दिया बिक जाए तो उनके दिया खरीद कर तुम दिवाली मनाओगे, और दिया के प्रॉफिट से गरीब लोगों के घर में भी दिवाली हो जाएगी, उनके खरीद लेना। ये होशियारी की बात बता रहा हूँ। अभी मैंने संत जी से बोला है, अपने प्रबंधक पुष्कर जी से, कि कोटा आश्रम में दिवाली मनाएंगे 1100 दीपक खरीद लेना दिया वो मिट्टी वाले, और 20-20 नोट की नई गड्डी लेकर जाना, और जितने वहां दिया बेच रहे हैं सबको 20-20 का नोट दान कर देना, और साथ में 1100 दिया 10 दुकानों से लाना, 100-100 ले आना वहां 11 दुकान से ले आना, सबका थोड़ा थोड़ा काम चल जाए, और पूरे आश्रम में 1100 जला दो दीपक, चलना चाहिए। पड़ोसी कोई मांगे उसको दिया दे देना, 200-400 ले जाओ पड़ोस वाले सब जो न लाए हो, उन गरीबों का भी काम चलना चाहिए। और जो दूसरों के लिए जीने की बात को सोचता है उसकी आयु भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बुद्धिमान रहता है, प्रसन्न रहता है। सर्दियों में 2-4-6 कंबल भी दान कर दिया करो, कोई देखो गरीब आदमी। अभी मैं गाड़ी से आ रहा था तो जिस चादर को मैं ओढ़ता था गाड़ी में कभी ठंडी लगे, तो मैंने देखा एक महात्मा जा रहा है, वो गठरी पोटरी लादे हुए और दाढ़ी और जटा और गंदा महात्मा,
तो मैं उसको बुलाया, इधर आओ। टोल टैक्स पर गाड़ी खड़ी हुई तो मेरी नज़र उस पर गई, बुलवाई, इधर आओ महात्मा जी। अपने ड्राइवर साहब से पूछा कि कोई चादर है क्या, गर्म चादर? बोले इसमें तो नहीं है गुरुदेव। तुमने कहा तो मेरी वाली दे दो। बोले इसमें आपकी दो हैं, कौन दे दूँ? मैंने कहा जो अच्छी है वो दे दो, सबसे अच्छी वाली। तो उसको बुला कर और टोल टैक्स वाले को बुलाया, अपने कहा इसको चादर पकड़, एक तरफ मैं पकड़ूँ, दूसरी तरफ तू पकड़, बाबा को ओढ़ा दे। तो बाबा को ओढ़ाया तो टोल टैक्स वाला क्या बोला, माफ़ करना गुरुदेव, मैंने गलती किया जो आपकी गाड़ी रोका। आप इतने महान हैं, इस इतने गरीब व्यक्ति को देखकर बुलाकर अपनी चादर ओढ़ा दिए, हम टोल टैक्स नहीं लेंगे और क्षमा करो, बस आप जाओ। तो हमने कहा तूने रोका तभी तो इनको दे पाए, रोकता नहीं तो पुण्य कहाँ से होता, सट से निकल जाते। पुण्य का फल बहुत होता है। और मैं पतियों से भी कहूँगा, आप संकल्प लीजिए कि अपनी पत्नी को 4 दिन के बाद नई साड़ी पहनाइए, हाँ, और तुम पुरानी दान करो, देखिए आपके अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा होगी, 4 नहीं तुम 40 साड़ी इनको पहना दोगे। कंजूसी छोड़ो, लालच छोड़ो, लोभ छोड़ो और मन को सेवा के रास्ते पर मोड़ो और फिर देखो अपना दिल भक्ति से जोड़ो, आपके पास अंबार लग जाएंगे, कुछ कम नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश, गंगा के किनारे, एक बहू अपने ससुराल में आई। फर्स्ट दिन सत्य घटना है, झूठी बात नहीं, पता भी लगा सकते। तो उस बहू को एक बहुत अच्छी साल ओढ़ाया था किसी ने, बहुत कीमती, अमीर घर के लोग थे वो। तो कोई गरीब घर की महिला पांव छूने के लिए आई, मिलने के लिए आई, तो उस बहू ने वो साल उतार करके उस गरीब महिला को ओढ़ा दिया। तो सासू ने बहुत डांटा, सासू ने कहा इतनी कीमती साल थी उसको क्यों ओढ़ा दिया तुमने? तो उस बहू ने कुछ नहीं कहा, अपने पिताजी को फोन किया कि पिताजी बहुत कंजूस के घर में मेरी शादी कर दी आपने, मैंने एक साल गरीब महिला को दे दिया। तो सासू ने बहुत डांट लगाई और मना किया। तो उसके पिता ने कहा बेटी रात भर इंतजार करो, सुबह मैं आता हूँ। सुबह उस लड़की का बाप एक ट्रक गरम साल और साड़ी और कंबल लेकर आया, एक ट्रक द्वार पर लगा दिया और उसकी सासू से कहा कि मेरी बहू को कभी, मेरी बेटी को कभी रोकना मत, जितना दान देना चाहे उतना करने दो, एक ट्रक सामान संभालो, अगले महीने में फिर ला दूंगा। तो सासू के होश उड़ गए कि ये बहू भी दानी है, इसका बाप तो उससे ज्यादा महादानी है। तो सासू ने एक हफ्ते में ही घर की चाबी दे दी उस बहू को कि अब तू ही मालिक बन, तेरा मामला कुछ ऐसा लगता है लक्ष्मी अवतार है तू। उस बहू ने घर संभाला, क्या किया, गंगा के किनारे एक आश्रम बनवाया, कम से कम 5 करोड़ का आश्रम बनवाया, सब साधु संत आगंतुक के लिए फ्री सेवा, हर महीने वहां कोई कथा भागवत प्रवचन होता है। मैं वहां गया हूं, देखा हूं, इसी साल गया था। और वो लड़की, उसने कहा हर फील्ड में नाम कमाना चाहिए, काम करना चाहिए, तो बिजनेस में उसने काम करवाया। तो करीब करीब 20-25 जिलों में उनकी दूध डेयरी का दूध, घी, मक्खन, मलाई, वो सब बिकता है। और उनके पास में लखनऊ में, फरुखाबाद में बड़े बड़े विद्यालय हैं 40-50, उसी बहू ने डेवलप करवाया। और वो स्वयं इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसका नाम मिथिलेश कुमारी है, मिथिलेश कुमारी जिला पंचायत अध्यक्ष है। और वो बोल रही है कि अभी हमको बहुत सेवा करना है, कोई गरीब हो उसको मदद करना है, बहुत सेवा करती है। आप जब सेवा करोगे ना, ये कुदरत, ये प्रकृति, ये तुम्हारी सेवा में जुट जाती है, इसलिए उदार बनो, जो भी थोड़े से थोड़ा ज्यादा से ज्यादा बन सके सेवा परोपकार करो, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए, खुद खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, भ्रम टूटे आपका, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान का, और गंदी आदतें छूटे, शुद्ध बुद्ध स्वरूप तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई गंदगी नहीं है,
तुम इन गंदी आदतों में पड़ करके दुखी होते हो, टेंशन और चिंता दूर हो आपकी, क्योंकि आत्मा का यहाँ से किसी से रिश्ता नहीं है, आत्मा स्वतंत्र है, वो सब छोड़कर चल देता है। तो किसकी टेंशन करते हो 40 साल की उम्र के लिए, इतना परेशान मत होइए, जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है मेहनत करके प्राप्त कीजिए, जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसका त्याग कीजिए, जो प्राप्त हो चुका है और खो गया है उसको भी भूल जाइए, और जो मिला है उसमें प्रसन्नता पूर्वक जिंदगी बिता लीजिए। यही जीने की कला सीखिए। अब एक सवाल और बचा है, क्या है और कहां से प्रश्न किया था मैंने, है? चलो तुम सब भूल गए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है भावना का क्या महत्व है, यही है ना भावना। कृष्ण कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना नाचा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि यथा योग्य नहीं है और जिसकी भावना यथा योग्य नहीं है और जिसके अंदर भावना है ही नहीं, भावहीन है, तो कृष्ण कहते अर्जुन उसको शांति कैसे मिल सकती है, और जिसको शांति नहीं मिलती है उसको सुख कहां मिलेगा, कुतः सुखम, उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यथा योग्य भावना रखिए। यथा योग्य का मतलब पिता के प्रति क्या भावना होनी चाहिए वही भावना रखिए, माँ के प्रति कैसी भावना हमारी होनी चाहिए वही रखिए, पत्नी के प्रति क्या भावना रखना चाहिए, पति के प्रति क्या रखना चाहिए, गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति, विद्यार्थी के प्रति। जब भावनाएं बिगड़ती हैं तो कर्म बिगड़ते हैं, जब कर्म बिगड़ते हैं पूरा सिस्टम बिगड़ता है, भाग्य बिगड़ता है। इसलिए भावना का पूरा खेल है, अपनी भावना को यथा योग्य बनाइए, जिस किसी के प्रति जैसी भावना उचित है वही भावना रखिए, दुर्भावना भी मत कीजिए और भावनाहीन भी मत बनिए, तो आपको शांति मिलेगी, और जिसके दिल में शांति है उसी को सुख प्राप्त होता है, आपका जीवन सुखी होगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना। सीधे बैठिए, घुटनों पर हाथ रखिए, मंत्र बोलिए, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना नाचा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवद्दुःखः। सिद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांसिरत् निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांतिम अधिगच्छति। यमहीन व्यथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभम् समदुःख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते शक्नोति हेयो यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सहयुक्ता सह सुखी नरः। ये सब सुख शांति की श्लोक बोला हूं श्रीमद् भगवद गीता से। अर्थागमो नित्यम अरोगिता चा प्रिया च भार्या प्रीवादनी चा वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर धारा विमर्शम दम्भम अस्तैन्यम पैसुनम मद्यपानम चा न सेवते यश्च सुखी सदैवे। ये विदुर नीति से सुख शांति की श्लोक बताया हुआ। घुटनों पे हाथ रख लीजिए, और जिनको मन को शांति ज्यादा चाहिए वे कृपया धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें, और जिनको विशेष उन्नति करने की इच्छा है स्टॉल पर जाकर के पुस्तक की दुकान पर उन्नति कैसे करें ये पुस्तक लेकर पढ़ें। जिनको जिंदगी जीने की कला सीखनी है जिंदगी जिए तो कैसे इस ग्रंथ को खरीद कर पढ़ें, और जिनको भवसागर से पार होना है वो भवयान नाम का ग्रंथ है उसको लेकर पढ़ें। जिनको अपने घर के भूत प्रेत भगाना है
सुबह शाम भजन कीर्तन सत्संग का वातावरण बनाएं, और जिनको अपने घर में विशेष शांति चाहिए पूरे परिवार के लोग बैठ करके प्रवचन सुने। जो लोग मरने के बाद मोक्ष चाहते हैं वे लोग कृपया साधना भी करें और मन को पवित्र रखें, आपकी सदगति होगी। और जो लोग चाहते मैं स्वस्थ रहूं वे लोग व्यायाम भी करें, निर्मल जल पिए, शुद्ध पवित्र भोजन करें, कभी गर्म कभी ठंडा भोजन भी कर लें। बासी रोटी खाने से शुगर नहीं होती है, इसका भी ध्यान रखें। ये महिलाओं ने रिसर्च किया है ताकि दोबारा बनाना ना पड़े, ये बासी खाते जाए। फल और सलाद खाने से कब्जियत नहीं होती है, इसलिए कभी कभी सलाद फल भी ग्रहण करें, लेकिन ये सवेरे खाएं, शाम को नहीं। शाम को कोई ठंडी चीज मत ग्रहण करें। 24 घंटे में 10-20 बार जोर से हंसें, इससे टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्रसन्न हर समय रहें, गहरी नींद का आनंद लें, सोते समय कुछ भी ना सोचें, मस्त निद्रा में सो जाइए। एक विद्यार्थी ने पूछा कितने घंटे हमें सोना चाहिए, मैंने कहा 7-7.5 घंटे सो जाइए। तो बोले पढ़ूंगा कब, मैंने कहा जो 10 घंटे पढ़ोगे 2 घंटे में याद हो जाएगा, इसलिए सोने घंटे भी पर्याप्त रखिए। साहिब बंदगी बोलिए, घर में सभी सदस्यों से प्रेम रखिए, किसी से द्वेष और नफरत मत कीजिए। अपने घर को अपना घर मत समझिए, उसको समझिए ये गुरुदेव जी का आश्रम है, संचालित करने के लिए मेरी ड्यूटी लगी है, उसमें मोह भी मत कीजिए। अपने को मालिक इसका मत समझिए, कार्यकर्ता समझकर काम कीजिए। ये समझिए कि इसका इष्ट देव ही मालिक है, इसके मालिक हम नहीं हैं, ताकि आपको अभिमान ना आने पाए। यदि कोई बीमारी सताए तो आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, आयुर्वेदिक दवाई वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए, और यदि उससे फ़ायदा जल्दी ना हो तो एलोपैथ में चले जाइए। एलोपैथ लेने के बाद फिर दवाई एलोपैथ छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर आयुर्वेद पर आइए, और उसके बाद परहेज़ कीजिए, संयम कीजिए, उससे तबीयत ज़्यादा ठीक रहेगी। और भोजन कम कीजिए, आराम सीधे ले, ज़्यादा कोमल बिस्तर पर मत सोइए, ज़्यादा कठोर बिस्तर पर भी मत सोइए। मच्छरों को काटने मत दीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, सावधानी बरतिए, बच्चों को संभाल कर रखिए, बच्चों को भी टीवी के सामने बिठाकर प्रवचन सुनवाइए, मोबाइल सिरहाने रख करके मत सोइए, मोबाइल पूरा दूर रखिए, अन्यथा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। सोते समय आप अपने सिरहाने छोटी सी लाइट रखिए, मन में विचार आते हैं अगले दिन की प्लानिंग के, उठ जाइए, एक छोटी सी डायरी पेन रखिए, लाइट जलाइए, बड़ी लाइट मत जलाइए ताकि अन्य लोग कमरे में सोए उनको डिस्टर्ब ना हो। उस डायरी को खोलिए, पेन से सारे विचार लिखिए, प्लानिंग लिखिए, और लिख करके रख दीजिए, माइंड का लोड डायरी में डाल दीजिए। आपका माइंड फ्री हो गया कि कल भूलेगा नहीं, कल डायरी खोलकर सेटिंग बनाएंगे, कल की प्लानिंग करेंगे, तब आप निश्चिंत हो जाएंगे। दरवाज़ा ठीक से बंद करके सोइए, मेन गेट में भी ताला लगा दीजिए, चोर के आने का रास्ता कहीं मत छोड़िए, अन्यथा आपको चिंता रहेगी। गरीब मत बनिए, अन्यथा समस्याएं व्यवस्थाएं सब बिगड़ेंगी आपकी। धनवान बनिए, संपन्न बनिए, अच्छे कार्य कीजिए, पति पत्नी दोनों मिल करके प्लानिंग बनाइए, सबका दिमाग विकास की तरफ होना चाहिए, इधर उधर माइंड किसी का डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास में ब्रेन की शक्ति बहुत है, उस शक्ति का पूरा प्रयोग कीजिए। आपके व्यापार में, बिजनेस में किसी कार्य में नुकसान हो जाए, उसको बार बार याद करके निराश मत होइए, उसको भूल जाइए, ये सोचिए कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं फिर से कर सकता हूँ, ऐसा विचार कीजिए। कार्य करने वाले ही कभी हार भी जाते हैं, ऐसा सोचिए, हारने वाले ही कभी जीत जाते हैं, ऐसा मन में विचार लाइए। डिप्रेशन में मत कभी जाइए,
आप किसी के पुत्र हो, माता पिता को खुश रखिए, ऐसा स्वभाव बनाइए कि उनको चिंता तुम्हारी ना हो, ऐसी ऊंची शिक्षा प्राप्त करिए आपके माता पिता का मन प्रसन्न रहे, उल्टा पलटा काम मत कीजिए, दारू मत पीजिए, मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से दूर रहिए, पान तंबाकू पुड़िया बिल्कुल मत खाइए, दूध खाइए पीजिए, मलाई खाइए, और कभी कभी सवेरे सवेरे गाजर मूली भी खाइए, और एक दूसरे को खिलाने की भी कोशिश कीजिए। साल में एक बार अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार दोस्त मित्रों को भी खीर पूड़ी लड्डू आदि खिला दीजिए, अन्यथा वे तुम्हारी निंदा करेंगे कि बहुत धनवान हो गया, पानी तक नहीं पहुँचता है, बेईमान आदमी है। हालांकि बेईमानी उनके साथ तुमने नहीं किया है, लेकिन उनका भी ध्यान रखो, रिश्तेदारों को भी थोड़ा सा खिला पिला दो, सम्मान कर दो, अन्यथा रिश्तेदार रूठ जाएंगे, वो कहेंगे अब पैसे वाले हो गए, वो तो बात ही नहीं करते हैं, इसलिए उनका भी बैलेंस बना कर रखिए। राजनीति से भी थोड़ा जुड़े रहिए, अन्यथा लोग तुम्हारे व्यवसाय में बाधा डालेंगे, कोई बड़ा नेता आ जाए उसके पीछे गाड़ी लेकर भागिए भी थोड़ा, उसको लगे कि हमारे साथ में है, और दूर निकल जाए गाड़ी मोड़ के, अपने घर आ जाओ, अपना काम करो, हाजिरी लगवा दीजिए उसके पास। राजनीति करो तो पूरे मन से करो, अन्यथा उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए, उसमें लटके मत रहिए, समय को लाश मत कीजिए, अपने बिजनेस में पूरा मन लगाइए, किसी को सहयोग की जरूरत हो 10% अपना कमाया हुआ धन वितरण भी कीजिए, कुछ अपना धन परमार्थ में लगाइए, प्रवचन के प्रोग्राम करवाइए जिससे क्षेत्र के सभी नर नारियों को, दसों हजार लोगों को संदेश मिले, संस्कार मिले, जीने की कला मिले, उनका जीवन सुखी होगा, उनके आशीर्वाद से तुम्हारे घर की और उन्नति होगी। ऐसा कार्य कीजिए जैसे हमारे राहुल भैया ने किया। कहाँ गए राहुल? राहुल खड़े हो, राहुल व्यवस्था में लगे हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं। सिद्धनाथ विद्या आरंभ स्कूल है ये, हमारे श्री अशोक जी हैं, खड़े हो अशोक जी, जैसे इन्होंने प्रोग्राम करवाया है ऐसे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में तुम भी प्रोग्राम कराइए। प्रोग्राम कराना बहुत सरल है, आपको मैं बता देता हूँ, ये यहाँ की जमीन है, बाकी ये सब व्यवस्था मेरे साथ आती है, बस इतना समझ लो, खाली जमीन है, और तुमको भी रोग नहीं आएगा। बस एक ही चीज़ हम बता देते हैं, महिलाएं सीढ़ी पर 51 बार चढ़ें और 51 बार उतरें, कोई बीमारी नहीं आएगी, और पुरुष लोग दौड़ दौड़ कर काम करें, साइकिल थोड़ा चलाएं, कोई बीमारी नहीं आएगी, और जोर से ठाका मार कर हंसो। देखो घोड़ा जो होता ना, घोड़ा घोड़ा जो होए वो बीच बीच हंसता है, ही तो घोड़ा के अंदर कितनी ताकत है, हर गाड़ी में हार स्वर बनता है, तो आप भी थोड़ा हंसा भी करो, काम करो, हंसो और प्रसन्न रहो, दान भी किया करो, और ऐसा नहीं कि मेरे को ही दान दे दो, ऐसा भी नहीं कि मेरे को बिल्कुल ना दो, थोड़ा मेरे को भी दे दो। सीधे बैठो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। धन्यवाद। अब आभार सुनिए, ध्यान को एकाग्र कीजिए। सभी उपस्थित यहाँ पे भक्तगण, आज हमारे राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी महाराज साहब के सुखद सत्संग में आप सब पधारे, इससे ऐसे काम के समय को छोड़ काम के समय में आपने समय निकाला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब भी दोबारा श्री गुरुदेव का प्रोग्राम इस सुजालपुर में हो, मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और इससे बड़ा, इससे 4 गुना बड़ा कार्यक्रम अपन करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अब आरती के लिए अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करें और खड़े हो जाएं, खड़े होकर आरती करें। आरती हो साहिब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती
गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरती ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करो सतगुरु साहेब की आरती करो सतगुरु साहेब की जब सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवास साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो तरस परस गुरु चरण शरण भयो तरस परस गुरु चरण शरण भयो टूटी गयो यम की जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परख परकाश साहेब आरती हो आरती गरीब निवास साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवास।